हेलो एवरीवन, आज का कॉस्ट अकाउंट का एग्ज़ाम था रेगुलर वालों का, उसका क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। होपफुली आपको पता लग जाएगा कि पेपर कैसा है। पेपर बहुत इजी था और जैसा जैसा हमने प्लान किया था ये चैप्टर करके जाएं, बिल्कुल सेम वैसा ही है। फर्स्ट क्वेश्चन थ्योरी में आया और इनफैक्ट उसके ऑप्शन में हमें एक रिकन्सिलेशन का भी क्वेश्चन मिल गया, जो बहुत अच्छी बात है। जिस बच्चों को थ्योरी आता था उन्होंने थ्योरी किया होगा, जिस बच्चे को आता होगा उसने रिकन्सिलेशन कर दिया होगा। थोड़ा नॉइज़ पीछे से आ रहा है क्योंकि मैं अभी आउट ऑफ दिल्ली भी हूँ, दैट्स वाई कहीं फंक्शन है। मेरे सामने अभी क्वेश्चन पेपर आया है, मैंने सोचा जल्दी जल्दी स्टूडेंट को अपडेट कर दूँ ताकि वो और भी अच्छे से स्ट्रेटेजी बना पाए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आया आपके सामने है, फर्स्ट ही क्वेश्चन चल रहा है ये, और कोई भी बच्चा कर सकता था इसको। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपका सेम जो थ्योरी नोट्स में डाले उसी में से है और मटेरियल का क्वेश्चन बहुत ही आसान, 10 नंबर में कोई वैसा है। और मैं लेबर आया, इनफैक्ट हमने अभी लेबर नहीं किया, मैं लेबर भी करवाऊँगा आपको, टेंशन नहीं लेना आपने। इसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन ख़त्म हो गया, अब थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है हमारा, डिस्टिंग्विश बिटवीन द एलोकेशन एंड अप्रोप्रिएशन ओवरहेड। ये भी थ्योरी मैंने बता रखा था आपको। और एक मशीन आवर रेट ऑब्जेक्शन रेट का क्वेश्चन आया, इसकी भी अगर आपने प्रैक्टिस करी हो तो सिंपल होगा। थर्ड के बाद आ जाते हैं, ये और में आया हुआ है, ऑब्जेक्शन रेट अंडर ओवरहेड रेट, ये भी इनफैक्ट मैंने क्वेश्चन बताया हुआ है। ABC आपका एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी थ्योरी के अंदर लिखवाया हुआ था कि ये कर लेना। अब आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, सर्विस कॉस्ट, आउटपुट कॉस्टिंग, और इसके ऑप्शन में क्या आया, इसके ऑप्शन में आया हमारा जो हमने सीखा था डिपार्टमेंट ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन। जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया या मुश्किल लगा हो वो और वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। और मैं आपका सबसे सिंपल क्वेश्चन फीफो मेथड लास्ट में बताया था करना है, प्रोसेस अकाउंट का पूरे 15 नंबर का, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे 15 नंबर का क्वेश्चन आया, बहुत सिंपल, आप कर सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस है तो। इसके बाद आ जाते हैं हम 5 क्वेश्चन पे, 5th क्वेश्चन में थ्योरी है जॉब कॉस्टिंग का और कॉन्ट्रैक्ट का, साथ के साथ इसके साथ आया हुआ है हमारा 10 मार्क्स का सर्विस कॉस्टिंग। जो क्वेश्चन मैंने करवाया था सेम उसी पैटर्न पे है, कुछ चीज़ें चेंज नहीं है। इसके और वाला भी क्वेश्चन देखिए कॉन्ट्रैक्ट का है, जिसको सर्विस कॉस्ट नहीं आता उसने और वाला क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट का कर लिया होगा। तो सो आपको क्लियर हुआ होगा, आपके 5 क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं। होपफुली आपको हेल्प मिले, अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और स्टूडेंट को शेयर भी करें। मैं बहुत जल्दी आपकी क्लासेस, लाइव क्लासेस लेने वाला हूँ मैं यूट्यूब पे, जिसके अंदर जो भी पेंडिंग चैप्टर है या थ्योरी 1-to-1 face-to-face डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।